हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपके घर पर किस दिव्य शक्ति का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है जो हर पल आपके साथ खड़ा है, हर वक्त आपके साथ है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लॉर्ड लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, ईश्वर की पूरी कृपा है आपके ऊपर, भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो लॉर्ड फिर रहें। और स्क्रीन पर दो पत्रिका दिखाई दे रही होगी, एक येल्लो कलर में फर्स्ट कलर की, सेकंड डार्क ऑरेंज कलर में है। तो इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो उसे चूज कर लें, उसके बाद देखते हैं कि पत्रिका आपके कौन से राज खोलती है। फर्स्ट नंबर यानी कि येल्लो कलर की पत्रिका जिन्होंने भी चूज करी है उनके लिए हम देख लेते हैं कि टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं, आखिर क्या संकेत मिल रहा है यूनिवर्स से, आखिर क्या कह रहे हैं भगवान फर्स्ट नंबर वालों के लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत है आपके लिए, क्या कुछ लिखा है इस पत्रिका में जो खोलेगी आपके राज। अगर जानना चाहते हो क्या है आपकी किस्मत में तो वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखिएगा कि हर एक बात अब आप पर सच होने वाली है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की वजह से आपने अपने सारे काम अभी तक बिगाड़े, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। थोड़ा सा लाइफ को समझिए, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिए, थोड़ा सा ज़िंदगी में आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन करें। देखिए, आपकी एक आदत है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, जो कि सही नहीं है। इंसान को थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब अगर हम दिव्य शक्ति की बात करें तो आपके साथ तो देवा ही देव महादेव हैं, तो आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर तो फिर आपको क्या स्ट्रेस लेना, भगवान हर समय आपकी मदद करने के लिए तैयार है, ईश्वर हर समय आपकी हेल्प करने के लिए तैयार। ज़रूरत है तो उनके इशारे को समझने की, ज़रूरत है तो उनकी बातों को समझने की, ज़रूरत है तो उनके उस संकेत को, उस इशारे को समझने की जो कि आपको उन्नति के दरवाजे तक लेकर जाएगा। तो जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। मतलब कि अब आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख आने वाला है, फाइनेंशियल कंडीशन अब आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, अब आपका समय इस कदर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, अब आपकी ज़िंदगी में इस तरह से उजाला होने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लाइफ आपकी बहुत बेस्ट होने वाली है। जिन कामों से आपको अभी डर लग रहा है उनका सामना अब आपको करना पड़ेगा। आप जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार रहे और हर एक काम पर नियंत्रण रखना संभव होगा, इसलिए सोच समझ कर फैसला लें। पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दें। परिवार के खिलाफ लिए गए निर्णय कठिन होंगे लेकिन बाद में लाभ होगा। जब तक आप काम को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक बदलाव नज़र नहीं आएगा। आपके जीवन की अधिकतर बातें धन पर निर्भर हैं। आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जितना अधिक आप लोगों से मदद की उम्मीद रखेंगे उतनी आपकी कठिनाइयां बढ़ेगी। लोगों के द्वारा बोली गई बातों के कारण समस्या होगी और आपका विश्वास भी कम होने लगेगा। भावनात्मक तकलीफ दूर करने का उपाय मिलेगा जिसकी मदद से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। जो बातें फ़िलहाल सही नहीं लग रही है उनका विचार ना करें, केवल जो बात महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करें, धैर्य रखें। किसी भी काम का फल तुरंत नहीं मिलता, इस बात को भी ध्यान में रखें। करियर में बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। महादेव और खाटू श्याम जी की बहुत बड़ी कृपा होते हुए आपके ऊपर दिखाई दे रही है। माता रानी भी आपके साथ है, माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, घबराना नहीं है।
टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। देखिए, भगवान की कृपा तो आपके ऊपर होगी, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा अगर हमारे ऊपर हो रही है तो हमें रिलैक्स होकर के उस कृपा को अपने साथ में आने के लिए, उस कृपा को पाने के लिए हमें पॉजिटिव होना होगा। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। पॉजिटिव रहें, लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बहुत अच्छा अच्छा सोचें, जो होगा रिलैक्स होकर के रहें, टेंशन फ्री रहें और इतना ध्यान रखें। बाकी दोस्तों, बहुत बड़ी कृपा होती हुई आ रही है आपके ऊपर। भगवान का आशीर्वाद जो आपके ऊपर है वो और किसी के ऊपर नहीं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप रिलैक्स रहो ना, जीवन में आगे बढ़ो, जो होगा हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके, फ्रीली माइंड रहो, सब कुछ ठीक होगा। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या होने वाला है, क्या कह रही है भगवद गीता आपके लिए और क्या लिखा है इस पत्रिका में आपके लिए, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है, बहुत अच्छी किस्मत लिखा के आए हो भैया, लेकिन स्ट्रगल था अभी तक लाइफ में जो अब ख़त्म होने वाला है, जो टेंशन था, जो लोड था वो अब ख़त्म होने वाला है। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो टेंशन था, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हमें रिलैक्स रहना है, अब हमें जीवन में आगे बढ़ने पर कॉन्सेंट्रेशन करना है, अब हमें वो सारे कार्य करने हैं जिसके लिए हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए हम इतने दिनों से कोशिशें कर रहे थे, जो कार्य हमारे अभी तक नहीं हुए थे अब वो कार्य हमें करने हैं। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी, बस हमें थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, थोड़ा टेंशन फ्री रहना है। कॉन्सेंट्रेशन अपने वर्क पर हमारा होना चाहिए, क्योंकि वर्क पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो हमें जीत नहीं मिल पाएगी। चलिए, अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके साथ होने वाली है। देखिए, लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है, रास्ते में असफलताएं और निराशा जैसी बाधाएं आपको ज़रूर मिलने वाली है, लेकिन हमें इन बाधाओं को सकारात्मकता के साथ पार करते हुए आगे बढ़ना है। लक्ष्य सही हो तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सही दिशा में की गई मेहनत देर से ही सही लेकिन सफल होती है। मन शांत है तो हम अपने काम पर ध्यान लगा लेंगे, अगर मन अशांत है तो छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मन को शांत रखें और आगे लगातार बढ़ते रहें। बाहर कितना भी शोर हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन आप अपने मन को रिलैक्स रखेंगे, टेंशन फ्री रखेंगे और थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे, आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। कि सफलता चाहते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ी सी शांति रखनी होगी। प्रयास किए बिना बड़ी सफलता नहीं मिलती है, बार बार असफलता के मिलने के बाद भी निराश नहीं होना चाहिए। जो लोग असफल होने के बाद भी निराश नहीं होते और आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। सही दिशा में अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका अंतिम परिणाम सफलता ही है, इसलिए रास्ता सही हो, पीछे कभी ना हटे, जो लक्ष्य है उसे पाकर ही रहे। अगर पीछे हट गए तो जीवन में सफलता नहीं मिलने। जब कोई सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, जब कोई सक्सेस दूसरों के लिए सजेस्ट बन जाए, तो समझ लें कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और ये उपलब्धि, ये मान सम्मान आपके लिए किसी स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं है। जीवन में हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन अगर कोई हमें देख के जेलसी फील कर रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि आपने कुछ ना कुछ कर लिया है जीवन में। आपको देख करके कोई टेंशन ले रहा है, आपको देख करके कोई कंपैरिजन्स कर रहा है, आपको देख करके कोई आपकी नकल करने की कोशिश कर रहा है, इसने ये करा तो हम भी ये करेंगे, तो समझ लीजिए कि आप कुछ सक्सेस पा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपके साथ माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है, माता रानी हमेशा आपके साथ है, तो टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें, माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं बाबा खाटू नरेश की भी कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है, लखदातार आपके साथ है, बाबा श्याम बर्बरी आपके साथ है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फिलहाल आप देवों के देव महादेव को भी प्रसन्न करने पर लगे हुए हैं, वो भी आपकी भक्ति से खुश हैं। तो भगवान की तरफ से, तो दिव्य शक्तियों की तरफ से तो आपको कोई टेंशन नहीं है, सबका आशीर्वाद है आपके साथ और सफलता बहुत जल्दी हासिल होगी। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो इतना ध्यान रखिए, घबराना नहीं है, उस लक्ष्य पर चलना है, सफलता जरूर मिलेगी। रिलैक्स रहे, टेंशन फ्री रहें,
ओके। तो वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।